छात्र संघ चुनाव की घोषणा होते ही विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रों और कॉलेजों में चुनावी माहौल अब गर्माने लगा है और छात्र नेता छात्रों की समस्याओं को लेकर कुलपति के पास पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं के निराकरण की मांग कर रहे हैं। इसी के तहत छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कुलपति को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता देव सोनी ने बताया कि 26 अगस्त को चुनाव की तारीख घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन की गतिविधियां काफी लचीली नजर आ रही है, जिसके चलते प्रवेश प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। एक तरफ जहां छात्रों की परीक्षाएं चल रही है, वहीं पूर्व में दी गई परीक्षाओं के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। प्रथम वर्ष के लिए जिन छात्रों ने फॉर्म भरे हैं, उनकी प्रवेश प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और ना ही उन्हें आईडी कार्ड दिए गए हैं। ऐसे में छात्र वोट कैसे डाल पाएंगे, इसी को लेकर छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जिस तरीके से चुनाव की तारीख घोषित की गई है, उसी तरह से जल्द परिणाम घोषित किए जाए ताकि छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। देव सोनी, छात्र नेता मोहनलाल सुखाड़े, विश्वविद्यालय उदयपुर। आज हमने ज्ञापन दिया है विश्वविद्यालय प्रशासन को कि 26 अगस्त को चुनाव की डेट घोषित कर दी है इन्होंने, जो सिर्फ कमरों में एसी में बैठ के सरकार ने आदेश निकाल दिया है। हम उस आदेश का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से विश्वविद्यालय में चल रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन की गतिविधियाँ चल रही है, जिसमें आज दिन तक अभी तक कोई परीक्षाएँ पूर्णत रूप से अभी चल रही है, परिणाम उनके आए नहीं है, प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू नहीं हो पाई है और इन्होंने चुनाव की तारीख घोषित कर दी है, राज्य सरकार को या प्रशासन को जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं या कोई छात्र हैं उनको वोट, उसका वोट छीनने का अधिकार नहीं है, ना तो उनके आईडी कार्ड बने। जो फर्स्ट प्रथम वर्ष में जिन छात्रों ने फॉर्म भरा है, उन छात्रों के अभी तक फॉर्म पूरी तरीके से, उनकी डेट चल रही है जो अभी तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, और ना इनके थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर वालों के परीक्षा हुई है, ना परिणाम आए हैं। परीक्षा तो दूर, परिणाम तो दूर की बात है, परीक्षा नहीं हुई उनकी अभी तक। इस तरीके से खाली निर्णय निकाल कर थोपने वाला निर्णय दे दिया है। तो प्रशासन से हमारा आज निवेदन था कि जिस तरीके से ये निर्णय आया, उसी हिसाब से धरातल पर काम कर जल्द से जल्द प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, परिणाम जो बाकी है उनको घोषित किया जाए और परीक्षाओं को जल्द से जल्द कराया जाए।